आप भी तो रोज यहाँ होते हैं, आपको पता है कि क्या होता है। सर मुबारक को, आप बुखलाने बल्ले का निशान छिनवा दिया, पार्टी की मखसूस नशस्तें छिनवा दी, और किस किस बात की मुबारकबाद रहने का वक्त रह गया? एक मिनट सर, सर एक मिनट, आप जितना मर्जी सटेरिकल कर लें, हमने नहीं छिनवाया, आपको भी पता है जिन्होंने छीना है उन्होंने छीनना ही छीनना था। ये वो बदकिस्मती से साजिश है जो 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इसे जो है वो उजागर करेगी, और दूध का दूध पानी का पानी सारी कौन के सामने कर रहे हैं। आपको भी पता है कौन कर रहा है? नहीं पता सर, अगर आप नहीं बना तो फिर इलेक्शन कमीशन तो बुनियादी है ना, मगर ना ये हुकूमत है, ये जो ताजपोशी के लिए लेकर आए थे शरीफों को, ये उनकी मुआवनत के साथ, उन्हीं की जो है साजिश के साथ जो है सारे निज़ाम को ये आलूदा कर दिया है, और अवाम की जो है ख्वाहिशात और मंगों और उनकी जो भाजे, एक 8 फरवरी का फैसला था दो टोक, उसका मजाक उड़ाया गया है। सर तो कौन लेते वो अभी तक समझ नहीं आ रही। अगर 70 साल से देखें तो इलेक्शन नतज और इन चीज़ों का इल्ज़ाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे लगता है, आर्मी चीफ पे बाद में लगता है। आज ही बता दें जो हकीकत है ताकि कौम को आज सच। आप इतने भी भोले नहीं हैं, आपको बताया जाए आप हमसे ज़्यादा माशाल्लाह नॉलेजेबल हैं। नहीं सर, आप तो इसका हिस्सा, क्योंकि हिस्सा थे ना, आपको निशाना बनाया गया, तो आप तो बताएंगे ना उन किरदारों का नाम। चले तारीख उसकी गवाह है, आप लोग सारे गवाह हैं, कौम सारी गवाह है, सब जानते हैं जिन्होंने भी ये साजिश की है, जो लियाकत अली खान से शुरू हुए पुत्रों को पुत्रों एक हरदल अजीज था, अब एक वो शख्स जो लोगों की दिलों की धड़कन है, अब उसे पापा सलासल किया हुआ है, और उसकी और उसकी पार्टी को हमारे तो खेलने के लिए कुर्बानी देने वालों को सेनेट की टिकटें नहीं मिलती। मिर्जा अफरीदी जिन्होंने मजम्मत की, 9 मई की कॉन्फ्रेंसिस की, उनका नाम चला जाता है। नहीं देखो, पार्टी में हमारे पार्टी में थे और पार्टी से साथ खड़े थे, और इसलिए पार्टी का जो फैसला है वही सबको कबूल करने चाहिए, और साथ ही पारी सारे बाकी जो लोग हैं पार्टी वर्करों को ही टिकट मिले हैं, और पार्टी के वर्कर जो हैं उन्हीं को कंसिडर किया गया है। तो ये इंटरनल एक डिसिप्लिन है पार्टी का, पार्टी जिसको कंसिडर करती है कि ये इस पोजिशन के लिए इसका एक्सपीरियंस है और ये बेहतर है और ये सीट होनी चाहिए, तो दिस इज हाउ पोलिटिकल पार्टीज वर्क। पार्टी में इख्तलाफात की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, सुनी इत्तेहाद कौंसिल के साथ भी इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, कितनी सदाकत है? नहीं देखे, सुनी इत्तेहाद के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, और सुनी इत्तेहाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, सही था, बेहतर फैसला था उस वक्त के जो हालात थे उसके मुनासिबत से, और हमने तो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोशिश करते रहे, अपने निशान के लिए कोशिश करते रहे, अपने निशान पर लड़ना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को ये खदशा भी जाहिर किया था कि हमारे साथ बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसलिए हमने तो अपने स्ट्रगल कोशिश की। दूसरी बात यह कि रिजर्व सीटें मिलना हमारा हक है, इंशाल्लाह ताला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें ये सीटें ज़रूर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है हर सूरत के 51 के आर्टिकल के मुताबिक किसी भी पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती, तो ये हमारी सीटें और हमारे पास है, और यही रीज़न है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो भी स्प्लिट है। एक जज ने यही कहा था कि कानून साजी तक इन सीटों को रोके बाकी पार्टी को नहीं दी सकती, हमारा ये जेन्युइन ग्रीवियंस है कि हमारी सीटें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जा सकती थी। अच्छा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला देगी और जल्द से जल्द देने चाहिए। सेनेट के टिकट के लिए बजाय उमर सरफराज, देखिए उमर सरफराज चीमा साहब गवर्नर रह चुके थे, और जब आप गवर्नर रहो तो 2 साल की मुद्दत पूरी ना हो तो फिर आप इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, इसलिए उसको उस तनाजुर में नहीं देखा था। जहां तक जुल्फी साहब का ताल्लुक है तो देखें, जो बंदा कन्वेक्ट ना हुआ हो वो अगर बाहर भी है तो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। लास्ट टाइम भी जब नेशनल असम्बली के लिए हुए थे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे तो हाई कोर्ट ने उनके नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट करवाए थे, तो इसलिए वो क्वालिफाइड है। ये कोर कमेटी के इजलास में अली जफर और शेर अफजल मरवत पर क्या पाबंदी लगी है? शेर अफजल मरवत ने देखो नहीं किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगी, हमारी जो कोर कमेटी है वो हम अपने इंटरनल डिस्कशन करते हैं, पार्टी में बाज़ चीज़ों पर इख्तलाफ भी आ जाता है, ऑल कल डिस्कशन होती है, और इस किस्म की डिस्कशन आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिल सकती है। हर एक जो मेम्बर है वो कुल के बोलता है, और हम इन द
जस्ट इंटरसेप्ट द पार्टी करते और सारे सिंसियर और फुल फोर्स के साथ लगे और बड़े सख्त वक्त में। अच्छा गौर साहब ये बताइएगा कि एज अ चेयरमैन पीटीआई आपकी फैसलों में पार्टिसिपेशन कितनी है या आप सिर्फ खान साहब के फैसलों को इम्प्लीमेंट करते हैं? देखो खान साहब ही चेयरमैन है, वो मेरे चेयरमैन थे, वो मेरे चेयरमैन है, वो मेरे चेयरमैन रहेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर थे हैं, चाहे वो जेल में चाहे वो जेल से बाहर है, तो हर डिसीजन खान साहब का डिसीजन है, हम कम्युनिकेट करते हैं नुमाइंदे के तौर पर। डिक्टेटरशिप होगी वन मैन आर्मी? नहीं 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 नहीं, कोई डिक्टेटरशिप नहीं। देखे कोर कमेटी, देखो कोर कमेटी एक बारी जो रिकमेंड करती है और खान साहब का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। खान साहब ही रूए रवा है सब, लीडर तो ऐसे ही होता है ना पार्टी की सप्लाई में। पार्टी कोर कमेटी में मुतजाद बयान देने पर शायद आपको रोक दिया गया है, कौन से ऐसे मुतजाद बयान आपने दिए हैं जिससे कोई पार्टी की गलत खबर है आपको? चलें ये नहीं, मिर्ज़ा अफरीदी की बात कर लेते हैं, वो भी कोई डिस्कशन मेरे सामने नहीं हुई। कल मैं काफी देर तक बैठा रहा था कोर कमेटी के उस पर, अफ्तार के वक्त थोड़ी देर पहले उठा था, तो मुझे तो कोई इतला नहीं है कि कोई ऐसी बात भी कोर कमेटी में। कुर्बानी देने वालों को साइडलाइन कर दिया, जो साथी दोस्त यार थे निजी महफिलों के उनको टिकट मिल गई मिर्ज़ा अफरीदी को। अच्छा टिकटों, आप सेनेट की टिकटों की? सेनेट की टिकट ठीक है सर, अभी पता नहीं, वो तो फैसला जो भी है वो तो अब फैसला हो गए। किसने नाम भेजे थे सर, वह इतना बता। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वजह कुर्बानी देने वालों को सेनेट में जगह नहीं मिलती? बड़े खतरनाक खतरनाक सवाल लेके आप आ जाते हैं, कल भी आपने बड़े जानलेवा हमले किए। नहीं नहीं, आपसे मोहब्बत है, आप छोटे भाई हो, आपसे मोहब्बत है इसीलिए। अच्छा ये सेनेट में कुर्बानी देने वालों को टिकट ही मिलती? मिर्ज़ा अफरीदी 9 मई खान के खिलाफ बातें करते रहे, सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनको टिकट? पार्टी के फैसले हैं, उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने जो है जहाज चौबीस साहब का बड़े मुश्किल हालात में प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किया, और बाकी पार्टी के फैसले बहुत से ज़बरदस्त कारकुनान को पार्टी ने मौका दिया है, सबसे बड़ी एग्जांपल मुराद सही साहब जी। अच्छा ये प्रोडक्शन ऑर्डर कब जारी किया सर, ये जब पार्टी टूट गई ख़त्म हो गया सब कुछ और सेनेट इलेक्शन को 10 दिन रह गए तब? लेकिन पार्टी के फैसले, पार्टी ने इस पर गौर व खोज किया होगा, मैं तो उस कमेटी में नहीं हूँ जो नाम तजवीज़ करता है, लेकिन बहरहाल अली अमीन खान मिले हैं पिछले दिनों खान साहब से, उन्होंने सारी लिस्ट वगैरह शेयर की होगी। पार्टी ने कोशिश की है कि जिन लोगों ने जेलें काटी हैं, जो तकलीफ़ें सही हैं, मुश्किल में खड़े रहें, पार्टी छोड़ के नहीं गए, तो उनको टिकट दी जाएं। बाकी तो हर किसी पे हर तरह के एतराज़ लगाए जा सकते हैं, मुझको भी 100 तरह के लगाए। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की जो हिदायत है उसके मुताबिक पार्टी मामलात जो है वो नहीं चलाए जा रहे हैं? भाई कोई बात नहीं, पार्टी मामला जो है खान साहब की हिदायत के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा है, इसमें इख्तलाफात मौजूद हैं और अभी तो खबरें सामने भी आ चुकी हैं। खान साहब की हिदायत के मुताबिक चलाया जा रहा है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होना फितरी अमल है, क्योंकि खान बाहर आके फैसले चेंज क्यों हो जाते हैं? ऐसा कोई फैसले चेंज कोई सोच भी नहीं सकता कि खान साहब के फैसले चेंज है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आपने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया कि वकला को वकालत करनी चाहिए, साफ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, उनको सियासत करनी चाहिए, लेकिन बुरे वक्त में वकला सामने आए तो क्या अब उनको सामने नहीं आना चाहिए? फिर तो अगर वकीलों पर सियासत की पाबंदी है फिर तो सबसे पहले मुझ पर लगनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है ना ऐसी। कल आपको कोट किया जा रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पर, अली अमीन खान जब खान साहब से मिले थे तो उसके बाद मेरी अमीन खान से गुफ्तगू हुई और वो बड़े खुश थे कि खान साहब से उन्होंने सारी बातें डिटेल में डिस्कस की हैं, उस पर मैंने ये बात की थी कि अच्छा हुआ मुश्किल वक्त में वकला ने एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया, लेकिन अब सियासी चैनल भी खुल गए तो इससे फैसला साजी मज़ीद बेहतर हो। पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं, इस पर क्या रिबटल देंगे? वाकई इख्तलाफात हैं इख्तलाफात नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और वो हर जमात में होता है। क्या नून में नहीं है? शायद खान साहब को आप किधर प्लेस करते हैं? क्या पीपल्स पार्टी में नहीं है? जी इत्तेहाद और टिकट की खबरों में कौन सा डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है? ये तो सरासर जो है वो माहिदों की भी खिलाफ वर्जी ऐसा लग रहा है कि हो रही है और फैसलों की खिलाफ वर्जी नहीं, भी हो रही आपको है। लग रहा है बाकी पार्टी के फैसले खान साहब के हुक्म पे और कोर कमेटी की डायरेक्शन सुनी इत्तेहाद की 3000 टिकट जारी गौहर साहब की निगरानी में हो रहा है। सुनी इत्तेहाद के 3000 टिकट जारी हुए थे जबकि अगले दिन बल्लेबाज के टिकट जारी हो गए, वो किसकी मंजूरी से हुए थे? आप मुझे ये बताइए जिस मुश्किल हालात में आपकी तहरीक इंसाफ खड़ी रही है, आप भी माशाल्लाह साफ़त करते हैं, कभी आपने देखा कि मर्द तो मर्द ख्वातीन के हाथ से नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए?
ہمارے ممبران کو اٹھایا گیا، ان کی وفاداریاں چینج کی گئیں، ان کو غائب کیا گیا، پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، کیا یہ عام حالات تھے؟ مشکل حالات میں میں کہوں سر, گا کہ سر, پارٹی لیڈرشپ نے کردار ادا کیا اور ان حالات میں مشکلات میں تکلیفیں آتی ہیں اس سے آپ کے حوصلے اچھا, پست نہیں ایک سوال کا جواب دے دیجیے علی محمد خان صاحب یہ بتائیے نہیں اس وقت بھلے باز مکر گیا ایک سوال کا جواب دے دیجیے علی محمد خان صاحب علی ظفر صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانا غلط فیصلہ تھا غلطی تھی اس کے ساتھ ساتھ رؤف حسن صاحب نے بھی کہا کہ غلطی تھی اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل صاحب نے بھی کہا کہ غلطی تھی لیکن کل بیرسٹر گوھر صاحب نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ غلطی نہیں تھی ٹھیک فیصلہ تھا وہ مسئلہ تو کل کا حل ہو چکا ہے صاحبزادہ حامد صاحب اور علی ظفر صاحب اور مروت بھائی تینوں اکٹھے آئے تھے کور کمیٹی میٹنگ میں ٹھیک بہت شکریہ تو فیصلے بدلیں گے پھر فیصلے آسمان سے آئیں گے اللہ باقی جو نظام ہے وہ دیکھ لیا السلام علیکم کیا حال ہے خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں